कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में पिछले 3 दिनों से भारतीय किसान यूनियन के किसान सूरजमुखी की खरीद को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लगभग 75 फुट ऊंची टंकी पर चढ़े हुए थे, लेकिन आखिरकार इन किसानों की मेहनत रंग लाई और 3 दिन बाद इनका धरना समाप्त हुआ। इस धरने की अगुवाई प्रदेश के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने की और साथ ही साथ अब इन किसानों की मांग पूरी कर दी गई है। लगभग 145 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के गेट के पास काटे गए जिसमें सूरजमुखी रखे हुए थे। मांग पूरी होने पर किसानों ने खुशी जताते हुए प्रदेश सरकार और गुरनाम सिंह का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने आखिरकार अपनी लड़ाई जीत ली है। देखिए, आंदोलन तो पिछली 1 जुलाई से चल रहा है। आंदोलन में काफी दौर आए, जब हमने पंचायतें करी, सरकार की बार बार अपनी मांग रखी, डी साहब के आगे मांग रखी, ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी से मिले और उच्च अधिकारियों से, सारे से बात करने के उपरांत भी जब सरकार ने कोई रास्ता हमें नहीं दिया, सिर्फ टकाव नीति अपना के रखी, तो जो काल थी हमारी थी मंगलवार की काल थी कि हम रोड जाम करेंगे सीधा सीधा यदि खरीद नहीं शुरू होती। परंतु किसानों को एकजुटता देखते हुए हम जो है पानी की टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गए, जब सरकार किसी भी तरह मांग मानने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे हम टंकी पर चढ़े और 3 दिन हम लगातार टंकी के ऊपर ही रहे, वहीं पे खाना, वहीं पे पीना और वहीं पे नहाना हुआ, तो जो सरकार की आगे हमारी मांग थी कि